हेलो स्टूडेंट्स, आई नीला पांडे वेलकम यू ऑल इन सेफ क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 13, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस क्लास। आवर लिविंग वर्ल्ड इज फैसिनेटिंगली डाइवर्स। ओके, हमें पता है कि जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है ना, वो क्या है, डाइवर्स है बहुत ज़्यादा। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे क्या है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, और ये इसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स भी है, देखो है ना। अब आपको कॉम्प्लेक्सिटी का पता इसे चल जाता है कि जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसमें देखो क्या होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होंगे वो कंबाइन होकर के टिश्यू को फॉर्म करेंगे, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन से क्या होता है, हमारा एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये तो सेलुलर लेवल पर बात हुई। अब जो ऑर्गेनिजम्स होंगे हमारी, वो क्या होते हैं, बाद में पॉपुलेशंस को फॉर्म करते हैं। फिर जो पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म होती है वो हमारी कंबाइन होकर के एक कम्युनिटी को फॉर्म करेगी, एंड आफ्टर दैट जो कम्युनिटी होती है वो हमारे इकोसिस्टम को फॉर्म करती है, और उसके बाद एट द एंड क्या होता है, हमारा बायोम जो होता है वो आता है। तो इस तरीके से क्या है, आपकी अरेंजमेंट है डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स की। तो हमने क्या कहा कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स है वो कंबाइन होकर के सेल बने, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से फिर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बना। ऑर्गेनिजम्स का जो ग्रुप होता है उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो पॉपुलेशंस होंगी वो एक कम्युनिटी को फॉर्म करेंगी, फिर इकोसिस्टम आएगा, और फिर बायोम आएगा। ठीक है, और आप सिंपली कह सकते हो कि जैसे सेल इंट्रैक्ट करके टिश्यू को बनाती हैं, टिश्यू इंट्रैक्ट करके ऑर्गन्स को, तो इन दी सेम वे ये जो इंट्रैक्शंस होती हैं वो रिजल्ट करती हैं हमारी इन सब चीज़ों में। अब बायोम देखो क्या होता है, बायोम एक लार्ज नेचुरली अकरिंग हमारा कम्युनिटी होती है। ठीक है, यहाँ पे आपका एक टर्म आया है बायोम, सो यू मे माइट बी कन्फ्यूज अबाउट दिस टर्म। सो बायोम इज़ अ लार्ज नेचुरली अकरिंग कम्युनिटी ऑफ फ्लोरा एंड दी फाउना ऑक्यूपाइंग अ मेजर हैबिटेट। ये एक आपका लार्ज एरिया होता है, ठीक है, जो कि ऑक्यूपाई करता है, और ये नेचुरली है, ठीक है, आर्टिफिशियली नहीं है। ये हमारा एक नेचुरली अकरिंग कम्युनिटी होती है जिसके अंदर काफ़ी सारे जो फ्लोराज यानी कि प्लांट्स एंड जो फाउना होते हैं हमारे यानी कि एनिमल्स, वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और वो ऑक्यूपाई करते हैं एक मेजर हैबिटेट। हैबिटेट मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म रह रहा है, तो बहुत बड़े हैबिटेट को वो क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, अब किसी भी लेवल पे, हमने डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स बोले, सो एट एनी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वी कैन आस्क टू टाइप ऑफ क्वेश्चन। हमारे माइंड में देखो दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन वी हियर द बुलबुल सिंगिंग अर्ली इन द मॉर्निंग इन द गार्डन, वी मे आस्क हाउ डज द बर्ड सिंग। है ना, आप गार्डन में घूमने गए, आपने वहाँ पे जो बुलबुल है, कोयल है, और एनी बर्ड, कोई भी बर्ड है, वो आपने सुना उसको गाते हुए, तो हमारे माइंड में पहला तो कैसे, क्या क्वेश्चन आता है कि ये कैसे गाती है ना। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि ये जो बर्ड है जो गा रही है वो कैसे गा रही है, और सेकंड क्वेश्चन आता है कि वो क्यों गा रही है ना। फर्स्ट क्वेश्चन माइंड में आता है हमारा कि हाउ दिस इज हैपनिंग, एंड सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई दिस इज हैपनिंग, राइट। सो द हाउ टाइप ऑफ क्वेश्चन सीक मैकेनिज्म। हाउ का मतलब क्या है, आप मैकेनिज्म पढ़ते हो, मतलब मान लो कोई एक आपके पास मशीन है, ठीक है, लेट से वी आर हैविंग अ ग्राइंडर, तो जो ग्राइंडर है जब आप उसमें कोई भी चीज़ डाल के ग्राइंड करोगे तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये कैसे काम कर रहा है, हाउ, किस तरीके से, मतलब आपने उसके मैकेनिज्म के पीछे यानी कि उस ग्राइंडर के काम करने के पीछे जो उसका मैकेनिज्म था उसकी आप बात कर रहे हैं। सो इन द सेम वे अगर आप इकोसिस्टम में क्वेश्चन पुट कर रहे हैं दैट हाउ द बर्ड इज सिंगिंग, ठीक है, हाउ दैट एनिमल इज रनिंग, तो इसका मतलब क्या है, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है उसके मैकेनिज्म के रिगार्डिंग कि उसकी बॉडी के अंदर क्या चीज़, क्या प्रोसेस टेक प्लेस कर रही है। अगर आप क्वेश्चन पुट करते हैं कि वाई, क्यों हो रहा है, तो इसका मतलब हम बात करते हैं उसके सिग्निफिकेंस की, उस प्रोसेस का सिग्निफिकेंस क्या होगा, उसका रिजल्टेंट क्या होगा। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा एग्जांपल, उसमें क्या होगा, आंसर माइट बी इन टर्म ऑफ ऑपरेशन ऑफ द वॉइस बॉक्स, कि अगर जो अब हम क्वेश्चन पुट करते हैं कि जो बर्ड है वो गाना गा रही है, तो हमारे माइंड में क्या आंसर आएगा, कि मतलब किस तरीके से, हाउ का आंसर क्या होगा, कि जो हमारी बर्ड है उसके पास वॉइस बॉक्स है, दैट इज़ अवर साउंड बॉक्स, वो क्या है, वो उसके गले में प्रेजेंट है, जब वहाँ से जो एयर है वो पास होगी वो वाइब्रेट होगा, और इसकी वजह से क्या होगा, जो बर्ड है वो गा पा रही है। सेकंड जो क्वेश्चन था आपका, दैट इज़ जो बर्ड है वो आपकी क्यों गा रही थी,
ठीक है, हमने सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा कि वो क्यों गा रही थी, तो उसका आंसर क्या हो सकता है कि जो बर्ड है वो एक कम्युनिटी में रह रही है। अब हो सकता है मान लो वो जो बर्ड है वो दूसरे किसी बर्ड के साथ क्या है कम्युनिकेट करना चाह रही है, और अगर वो इसका ब्रीडिंग सीजन है तो वो उस केस में अपने मेट को ढूंढने के लिए, उसको बुलाने के लिए क्या है उसको आवाज़ लगा रही है। तो जब आप अपने नेचर को, अपने सराउंडिंग में जो आपका नेचर है उसको ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें आपको काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मिलते हैं, जैसे कि व्हाई आर नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स जनरली वाइट, है ना, जो रात में खिलने वाले फूल होते हैं वो मोस्टली वाइट ही क्यों होते हैं। सो अगर आप इस क्वेश्चन को पुट करेंगे देन यू विल रियलाइज़ कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो नाइट टाइम में है तो उनके जो पोलिनेटर्स होंगे उसका रोल होगा इसमें, है ना। फिर उसके बाद अगर मान लो आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ डज द बी नो विच फ्लावर हैज़ नेक्टर, इतने सारे फ्लावर्स होते हैं सभी फ्लावर्स हमारे नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करते तो बी को कैसे पता होगा कि किस फ्लावर में नेक्टर प्रेजेंट है। फिर उसके बाद आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है व्हाई डज कैक्टस हैव सो मेनी थॉर्न्स, कैक्टस के ऊपर इतने सारे कांटे क्यों होते हैं। हाउ डज द चिक्स प्योर्स रिकॉग्नाइज हर ओन मदर, जो चिक के बच्चे होते हैं ना, आप देखो ह्यूमन बींग्स में तो हमें डिफ्रेंशिएशन पता होता है लेकिन जो मुर्गियाँ हैं हमारे लिए तो सारी मुर्गी बराबर हैं और मुर्गी के जो बच्चे होते हैं वो भी सारे बराबर हैं, तो एक जो मुर्गी है उसको कैसे पता चलेगा कि इसके जो चिकन्स हैं वो कौन कौन से हैं और उसके जो चिक्स हैं उनको कैसे पता कि उसकी जो मदर है वो कौन है। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं और अगर आपके माइंड में नहीं भी आते होंगे ना तो जो छोटे बच्चे होते हैं घरों में वो तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ पूछ के आपको परेशान कर ही देते होंगे, है ना। सो अब देखो यू हैव ऑलरेडी लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस, हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या पढ़ा हुआ है इकोलॉजी, ठीक है। इकोलॉजी मतलब कि द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ अवर इकोसिस्टम, हमारे इकोसिस्टम की जो स्टडी होती है उसको हमने पढ़ा हुआ है। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होंगे वो किस तरीके से अपने फिजिकल और जो हमारा यू कैन से एबायोटिक एनवायरनमेंट है वो किस तरीके से इंट्रैक्शन होता है, फिर जो बायोटिक एनवायरनमेंट होते हैं उनके अंदर किस तरीके से इंट्रैक्शन होता है। अब ये जो आपका कंप्लीट चैप्टर है दिस इज़ ऑल अबाउट दी ऑर्गेनिजम्स एंड दी पॉपुलेशंस, यानी कि किसी इकोसिस्टम के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं और वो ऑर्गेनिजम्स मिल करके जब किसी पॉपुलेशन को फॉर्म करेंगे तो इससे रिलेटेड टॉपिक्स हैं आपके, जैसे कि ऑर्गेनिजम्स पॉपुलेशन कम्युनिटी एंड दी बायो। सो हम इनको हम क्या करने वाले इसमें स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट है आपका ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, कि जो ऑर्गेनिज्म है वो और उसका एनवायरनमेंट, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट में रहता है तो वो उसके साथ इंटरेक्ट करेगा। देयर आर सम फैक्टर्स विच आर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, दीज फैक्टर्स आर द लाइट टेम्परेचर सोयल, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स हैं आपके इसमें, लाइट है वाटर है सोयल है, इन सारे फैक्टर्स को भी हम लोग क्या करेंगे आज की क्लास में कवर करेंगे। फिर इनसे अडेप्टेशन कैसे होती है उसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। अब देखो फर्स्ट है आपका ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट, जो ऑर्गेनिज्म है और उसका जो एनवायरनमेंट है वो किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं। सो हमने प्रीवियस क्लासेस में देखो स्टूडेंट्स पढ़ा हुआ है कि जो हमारी अर्थ है, ठीक है, अर्थ के अंदर जो हमारे डिस्टिंक्ट सीजन्स होते हैं वो किस तरीके से कॉज होते हैं, है ना, व्हाट कॉजेज द सीजन्स, व्हाट कॉजेज द डे एंड नाइट, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारी अर्थ है इट इज़ टिल्टेड ऑन इट्स एक्सेस, वो अपने एक्सेस पे थोड़ी सी टिल्टेड होती है जिसकी वजह से हमारे अर्थ के ऊपर जो सीजन्स होंगे प्लस जो रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ होता है अराउंड द सन उसकी वजह से क्या होता है जो डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स होते हैं वो हमारे कॉज होते हैं, ठीक है। अब ये जो एनुअल वेरी इसके साथ साथ जो अर्थ है उसके ऊपर जो प्रेसिपिटेशन दैट इज द स्नोफॉल एंड द रेनफॉल इनके अंदर भी क्या होगा वेरिएशन होंगे। सो सीजन्स वेरी कर रहे हैं अर्थ के ऊपर, फिर जो प्रेसिपिटेशन दैट इज़ द रेनफॉल और द स्नो है वो भी वेरी कर रही है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और इसके साथ साथ अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं वो मिल करके क्या करते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट बायोम्स एज आई टोल्ड यू लार्ज नेचुरली अक्रिंग कम्युनिटी ऑफ फ्लोरा एंड द फाउना ऑक्यूपाइंग अ मेजर हैबिटेट उसको ये क्या करेंगे फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि अर्थ के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास सीजन्स हैं जस्ट बिकॉज ऑफ रोटेशन रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द टिल्टेडनेस ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ऑन एक्सेस प्लस में जो एनुअल वेरिएशन आता है हमारा प्रेसिपिटेशन के अंदर, कहीं कम बारिश होती है कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होती है कहीं मीडियम बारिश होती है, ठीक है, या फिर स्नोफॉल होगा वाटर अवेलेबिलिटी है उसके बेसिस पे, तो जो हमारे बायोम्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं लाइक डेजर्ट रेन फॉरेस्ट एंड दी टुंड्रा, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोम दैट आर फाउंड इन दिस अर्थ। अब देखो यहाँ पे आपके शो किए गए हैं आर्कटिक एंड द अल्पाइन टुंड्रा है हमारे पास,
एज यू कैन सी दिस वन, तो यहाँ पे आपका देखो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आर्कटिक और अल्पाइन टुंड्रा को शो किया गया है, फिर ये कॉनिफरस फॉरेस्ट है, टेम्परेट फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एरियाज एंड द डेजर्ट्स। ठीक है, अगर हम बात करें जो रीजनल और लोकल वेरिएशंस होती है किसी भी बायोम में, तो उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे जो वो हैबिटेट फॉर्म करता है उसके अंदर भी क्या होती है, वेरिएशंस आ जाती हैं। ठीक है, अब अगर आप हमारा टिपिकल एग्जांपल लो इंडिया का, तो इंडिया के अंदर भी जो हमारी जगह हैं वो अलग अलग से होती हैं, है ना। तो इसमें देखो क्या है कि स्क्रोचिंग राजस्थान होता है हमारा, राजस्थान में चले जाओ तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, आपकी जो स्किन होगी काफ़ी ड्राई हो जाएगी, मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम है। फिर अगर हम इंडिया में जाएं मेघालय के फॉरेस्ट में, तो वहाँ पे क्या है, काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होती है, तो वहाँ पे आप क्या होंगे, रेन सोक, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है वहाँ पे। फिर इसके साथ साथ जो डीप ओशन ट्रेंचेस होते हैं वहाँ जाओगे तो वहाँ का एनवायरनमेंट क्या होगा, हमारा अलग होगा। फिर इसके बाद टोरेंशियल स्ट्रीम्स होंगे, फिर हमारा परमा फ्रॉस्ट यानी कि स्लो लैडन एरियाज होते हैं वहाँ चले जाओ, पोलर रीजन्स अर्थ के, वहाँ पे क्या होगा, आपको वेरिएशंस देखने को मिलेंगी। फिर इसके साथ साथ जो थर्मल स्प्रिंग्स होते हैं वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, 100 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। फिर इसके साथ साथ अगर आप अदर थिंग्स देखें, जैसे कि अगर हम अर्थ पे जो है, लेट्स से दिस इज़ आवर अर्थ, तो अर्थ के अंदर हम, दिस इज़ द इक्वेटर ऑफ द अर्थ, ठीक है, ये हमारा इक्वेटर है। सो जब हम इक्वेटर से मूव करते हैं टुवर्ड्स दिस पोल, दिस इज द साउथ पोल एंड सॉरी दिस इज द, ऊपर क्या हमारा नॉर्थ पोल होता है एंड नीचे क्या हमारा साउथ पोल है। तो जब हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ या इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ जाते हैं तो हमारे टेम्परेचर के अंदर वेरिएशंस आते हैं। इन सब वेरिएशंस की वजह से क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे बायोम फॉर्म होते हैं। सो देखो यहाँ पे इंडिया के अंदर कौन कौन से बायोम हैं हमारे, वो शो किए गए हैं। फर्स्ट जो पिक्चर है ये शो कर रहा है आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी कि इंडिया के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे एक बायोम मिलते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो इंडिया है वो हमारा देखो इक्वेटर के बिल्कुल पास में, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमारे पास वेरिएशंस है। अब इसमें फर्दर क्या है, आपका डेसिडुअस फॉरेस्ट भी है, यहाँ पे डेजर्ट भी देखने को मिलेगा और सी कोस्ट एरियाज जो होंगे वो देखने को मिलेंगे, तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा वेरिएशंस है। अब इसमें आपकी टर्म आई है यहाँ पे एक निक, ठीक है, यहाँ पे एक आपकी टर्म आई है निक। सो निक क्या होता है, किसी भी गिवन एरिया के अंदर, ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या कहे हैं, जब वहाँ रहते हैं तो वहाँ पे वो जो लाइफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगी, ठीक है। सिंपली आप क्या कहो, जैसे आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, तो जो भी आपका जॉब होता है, जैसे आप टीचिंग कर रहे हैं या फिर आप अभी स्टूडेंट हैं तो आप स्टडी कर रहे हो, या फिर मान लो अगर कोई इंजीनियर है वो इंजीनियरिंग कर रहा है, डॉक्टर है तो वो क्या करेगा, पेशेंट्स को चेक करेगा, यानी कि वो एक, अब देखो हम एग्जांपल कैसे लेंगे, मान लो ये एक हमारा एक सोसाइटी है, तो इसमें क्या होंगे, टीचर्स प्रेजेंट होंगे जो कि टीचिंग का काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स प्रेजेंट होंगे जो कि पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और जैसे कि लेबर है तो वो क्या करेंगे, जो हमारे लेबर्स हैं वो क्या करेंगे, मेहनत मजदूरी करके जो घर वगैरह बनाने होंगे उनका काम करेंगे, है ना। फिर इसके अलावा अब मान लो यहाँ पे हमारे पास एक बिजनेसमैन है तो वो क्या करेगा, जो बिजनेस है उसको परफॉर्म करेगा। सो निक क्या होता है, ये इंक्लूड करता है जॉब ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म विच इट परफॉर्म्स इन इट्स हैबिटेट। जैसे हमारा एक हैबिटेट है ये, इसके अंदर हम रह कर